देखिए, मैं इसको 50-50 तो नहीं कहूंगा जी। जो बात कृषि मंत्री कह रहे थे वो बहुत सरलीकरण हो जाएगा इस बैठक के निष्कर्षों का। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि पूर्व की 6 बैठकों से ये 7वीं बैठक इस बिंदु पर अलग थी कि इस बार तनातनी थोड़ी कम थी। 6 बैठकें तो तनातनी में निकल गई, इधर भी तलखी उधर भी तलखी। यह पहली बैठक है इस माने में जो मुझे संतोष देती है कि तलखी नहीं दिखी। क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, यह मैं नहीं जानता, और यह तो अभी सरकार भी नहीं जानती और किसान भी नहीं जानते, तो मैं कैसे जान लूं। 4 जनवरी को फिर बैठक है, लेकिन आज कम से कम इतना रहा कि हेड ऑन नहीं हुआ, यानी आमने सामने की टक्कर नहीं थी बैठक में। चलो भाई बात करें, कोई रास्ता निकले, कुछ देखें, कुछ करें, ये इस टाइप का जो एक माहौल होता है, भाव होता है, वो था। किसानों का लंगर भी मंत्रियों ने खाया, उसका और महत्व कितना है नहीं है वो तो बात की बात, लेकिन एक जेस्चर तो है। अब आते हैं इसके ठोस आउटकम पर। इसको अगर इन 4 मांगों को हम प्रतिशत में वर्गीकृत करने की कोशिश करें तो मेरी समझ ये कहती है 60% में ये मांग है, 60% वेटेज किसानों के लिए इस मांग का है कि ये कानून वापस हो, 20% या बल्कि कहिए 30% वेटेज इस बात का है कि MSP को कानूनी मान्यता दीजिए, बचे 10%, उसमें 5-5% पराली वाला कानून और बिजली वाला कानून इनका है। वो दोनों मांगे मूलतः एनेक्सर के तौर पर थी, बाद में आलोक जी बोलेंगे तो वो और बेहतर बता पाएंगे क्या है, लेकिन जितनी मेरी समझ है वो एनेक्सर थी। जब भी आप किसी बड़ी लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे प्रमुख मांग के साथ कुछ और सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी होती हैं। राज्य और केंद्र का बजट भी जब आता है तो जो लोग विधायी प्रक्रिया से परिचित हैं वो जानते हैं कि उसमें भी सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती हैं, उनका महत्व तो है लेकिन उतना नहीं जितना मूल मांग का है। इसलिए मैं कहूंगा आज मेरी दृष्टि में सिर्फ इतनी बात समझ आती है मुझे, आंदोलन जारी रहेगा, 4 को किसान और सरकार फिर बैठेंगे। अब एक टीवी पर शो आता है कि भाई 2 गलत जवाब मिटा दो बच्चन साहब का है, तो 2 सप्लीमेंट्री डिमांड्स हट गई, एजेंडा और क्रिस्प हो गया, फोकस्ड हो गया। अब 4 जनवरी की जो बैठक होगी उसमें मुद्दों की भीड़ नहीं होगी, केवल 2 मुद्दे होंगे और 5-6 घंटे होंगे। ये कानून वापस होंगे कि नहीं, MSP पर लिखित गारंटी सरकार देगी कि नहीं, बस। मुझे लगता है आज स्क्रीनिंग हो गई और कोर इशू ही अब बचे हैं जिन पर 4 तारीख को बात होगी। मैं समझता हूं इतना परिणाम आज देश के सामने आया है।